साधना थी, कितने योग्य थे, लेकिन 39 साल की अवस्था में उनको कैंसर के लक्षण आ गए थे। तो इस शरीर का भी कोई पता नहीं है, ये शरीर में कब कौन सा रोग पैदा हो जाए और इस शरीर की कब कहां मृत्यु हो जाए, इसको कोई भी नहीं बता सकता। भजन के माध्यम से बता रहा हूं, सुनिएगा। तो एक बार प्रेम से सभी लोग जयकारा लगाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, वो गीतकार कितना सुंदर बता रहा है कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी टोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त के। उन हकी हर किसन खाली जाएगी बिन मुहूर्त के, आपके पास में जो धन है उस धन का सही प्रयोग होना चाहिए। और ना आपके मरने के बाद में आप धन इकट्ठा करते रहे तो पता नहीं बच्चों ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो अच्छी जगह वो धन लगना चाहिए। इतिहास बता रहा है अच्छे आदमी की पहचान अलग होती है। सिकंदर का बड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का बड़ा सब रह गया, चलते समय बीमारी का इलाज है लेकिन समय का कोई इलाज भी नहीं है। लुकमान वैद्य ने कहा ये घड़ी हर के दिन टाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठाली जाएगी, बिन मुहूर्त के। कोई व्याकरण का सूत्र नहीं बता रहा हूं आपको जो आप समझ नहीं पाएंगे।
न भूगोल का नक्शा बनवा रहा हूँ जो आप बना नहीं पाएंगे। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, जरा समझ लो कि एक दिन शरीर का जन्म हुआ है और एक दिन शरीर नष्ट भी होना है, और जब एक दिन हमने जन्म लिया है और एक दिन मरना भी है, तो ये मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, तुझको किराए पर मिला है ये मकान, इसलिए कोठरी खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के। जब तेरी टोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली। रोता मैं अपने छोटे भाई अनुज भाई मंजे शास्त्री जी का स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में कथा हो रही है, मलेगांव में और बावली में कोई अंतर